पुलवामा के काकापुरा में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो जो तस्वीर सामने आई है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आदिल ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, बताइएगा जो लोग घायल हुए हैं कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और किन हालातों में ये एक्सीडेंट हुआ है? हाँ प्रियंका, मैं आपको बताऊँ, जो एक्सीडेंट हुआ है ये पुलवामा श्रीनगर जो हाईवे है काकापुरा के नजदीक, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। जो दो टिपर्स है यानी जो डंपर है जो बड़े लोड कैरियर के हिसाब से चलते हैं, तो उन्हीं के बीच की टक्कर हुई है, जिसके साथ एक छोटी आल्टो कार भी जो आई है। तो इस एक्सीडेंट में अभी तक जो है ये सामने आ रहा है कि दो जो लोग है इसमें जख्मी हुए हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा शिफ्ट किया गया है और जहाँ पे उनका अभी इलाज चल रहा है। वहाँ पे जो हमारे जराये हैं उनके मुताबिक जो जख्मी है वो काफी ज्यादा इंजुरीज नहीं है, लेकिन इनकी जो हालत है वो स्टेबल है, मामूली चोटी आई है, लेकिन उनको फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। फिलहाल जो एक्सीडेंट आया है इसकी जो इन्वेस्टिगेशन वो शुरू कर दी है और इसके जो पुलिस स्टेशन काकापुरा में वहाँ पे जो एक केस भी जो है वो फिलहाल रजिस्टर किया गया है, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। ये जो एक्सीडेंट है ये जो श्रीनगर पुलवामा हाईवे है काकापुरा के नजदीक आई है, जहाँ पे इस तरह की जो गाड़ियां हैं चाहे वो टिपर हो जो डंपर हो, काफी रश रहता है उनका, जो ओवर स्पीडिंग भी काफी बार हमने देखा है कि जो ओवर स्पीडिंग होती है इनकी, उसके बिना पर भी जो ये एक्सीडेंट है आए रोज देखने को मिलते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल ज्वाइन करने के लिए। तो आदिल जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, पुलवामा के काकापुरा इलाके में जिस तरह से दो टिपर्स में टक्कर हुई है और एक गाड़ी भी इसकी चपेट में आई है, फिलहाल इस अपडेट में।